विश्व की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है? सभी लोगों के मन में सबसे पहला ख्याल द बरमुडा ट्रायंगल का आएगा, जो कि वो इलाका है जिसमें आज तक 2000 से ज्यादा शिप्स और बहुत सारे एयरप्लेन्स गायब हो चुके हैं और आदमी के साथ। दोस्तों, ये एक ट्रायंगुलर रीजन है जो कि पुर्तो रिको, बरमुडा और मियामी को कनेक्ट करता है। आज तक आपने लोगों के गायब होने की कहानी सुनी होगी, लेकिन मैं आपको आज बरमुडा ट्रायंगल से लौट आए इकलौते सर्वाइवर की कहानी सुनाऊंगा। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये घटना है 4 दिसंबर 1970 की, जब ब्रूस गेरनॉन दो और पैसेंजर के साथ मियामी के लिए फ्लाइट पे निकले। वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और उससे पहले भी उन्होंने अनेकों बार उसी रास्ते ट्रेवल किया था, लेकिन इस बार जब उनका फ्लाइट लगभग 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, तो उन्हें अपने सामने बहुत सारे बादल आते नजर आए। वो बादल कुछ आम नहीं लग रहे थे, जिससे उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने रिस्क लेके उस बादल के अंदर प्रवेश किया और उस साइड वो बाहर भी निकले, तो इस बार उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और वो अपनी जर्नी जारी रखते गए। उनकी फ्लाइट की ऊंचाई और बढ़ते गई और वो 11,500 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे। एक बार फिर उनके साथ वही हुआ, उनके सामने बहुत सारे बादल अचानक से इकट्ठा होने लगे, लेकिन उन्होंने पिछली बार की तरह ही इस बार भी बादल के अंदर प्रवेश कर लिया, इस उम्मीद में कि वो उस पार बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इस बार अंदर में कुछ अजबी टाइप का अंधेरा था और अंदर में सूर्य के प्रकाश का बिल्कुल भी चिन्ह नहीं था। तभी एक और बहुत ही अजीब सी बात हुई, उनके सामने में उस बादल के बीच में बहुत सारे व्हाइट फ्लैशेस आने लगे, और ये तो साफ पता चल रहा था कि वो कोई आम बिजली नहीं थी। और लगभग 30 मिनट तक वो उसके अंदर ट्रेवल करते रहे। वो बादल बिल्कुल एंडलेस लग रहा था, मतलब उसका कोई अंत था ही नहीं, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। तभी कुछ और बहुत डरावना हुआ, उस चारों तरफ से बादल इनके प्लेन के तरफ आने लगे और वो रास्ता छोटा होते गया। इनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और उन्होंने अपने फ्लाइट का कंट्रोल खो दिया। वो पूरा पाथ एक टनल जैसा हो गया था और उन्होंने अपने प्लेन की स्पीड बहुत बढ़ा दी, क्योंकि उनके अगले कुछ सेकेंड बहुत क्रूशियल थे। तभी अचानक उन्हें अपने सामने कुछ रोशनी दिखाई दी, तब उन्होंने चैन की सांस ली, क्योंकि उस अजीब जगह से वो अब बाहर आ चुके थे। बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फोन करने की सोची, क्योंकि वही उन्हें कुछ बता सकता था कि आखिर कुछ समय पहले हुआ क्या था। लेकिन जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनके लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की, तो कुछ अजीब हुआ, उनके रडार में वो प्लेन था ही नहीं। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब पता चला। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिशियल ने बताया कि उनका प्लेन मियामी पहुंच चुका है। इस बात ने उनके होश उड़ा दिए, लेकिन क्या आपको पता है कि वो इतना चौंक क्यों गए? दोस्तों, उनकी जर्नी की पूरी डिस्टेंस लगभग 400 किलोमीटर थी और उनके प्लेन का मैक्सिमम स्पीड 290 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वो मियामी सिर्फ 47 मिनट में पहुंच गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लैंड करने के बाद तुरंत उन्होंने प्लेन की और बहुत सारी चीजें चेक की, लेकिन उनका फ्यूल टैंक बैलेंस और भी बहुत सारी चीजें इसी तरफ इशारा कर रही थी कि उन्होंने 47 मिनट में अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया था। उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब उन्होंने खुद से इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये टाइम और स्पेस के फोल्ड होने से एक टाइम ट्रेवल होने का केस है, लेकिन ये महज एक अंदाजा था। और अंत में क्या हुआ, ये भी बरमुडा ट्रायंगल के अनेकों अनसुलझे रहस्यों में से एक रहस्य बन गया। आज तक बरमुडा ट्रायंगल में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और उनकी लाशें तक नहीं मिली, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। हो सकता है भविष्य में हमें इसके बारे में पता चले। लेकिन ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से जल्द मिलेंगे।